बद्दी में पाकिस्तान कॉलोनी होने की बात से पुलिस अधीक्षक ने किया साफ इनकार। डीएसपी वासेचो के साथ घटनास्थल के विजिट के बाद यहां ऐसी कॉलोनी होने की बात का खंडन किया। स्थानीय पंचायत के वार्ड सदस्य ने भी पाकिस्तानी कॉलोनी होने की बात को अफवाह करार दिया। 3 दिन पहले बद्दी की भूपुर पंचायत में पाकिस्तानी कॉलोनी के एड्रेस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ऑनलाइन शॉपिंग का कुरियर। हिंदू जागरण मंच ने की थी पुलिस से मामले में एक्शन लेने की अपील। कुरियर पर मौजूद पाकिस्तानी कॉलोनी वाला एड्रेस सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हरकत में आई सुरक्षा एजेंसियां व पुलिस। कुछ नहीं बहुमंजिला इमारत वाले प्रवासी मजदूर बहुल इलाके को लेकर किया जा रहा था पाकिस्तान कॉलोनी का दावा। अफवाह फैलाने वाले यूपी के भीष्म नामक शख्स को पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने तलब किया। शांत राज्य के रूप में जाने जाने वाले देवभूमि हिमाचल के बद्दी में अन्य इलाकों की वजह ज्यादा देखी जाती है आपराधिक घटनाएं। हिमाचल के सोलन जिला के अंतर्गत आने वाली औद्योगिक नगरी बद्दी के भूपुर पंचायत में पाकिस्तान कॉलोनी होने की बात से जिला पुलिस ने साफ साफ इनकार किया। बद्दी के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मोहित चावला ने एडिशनल एसपी रमेश शर्मा व थाना प्रभारी के साथ आज घटनास्थल का विजिट किया और स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद पाकिस्तानी कॉलोनी होने की बात का खंडन किया। एसएसपी ने कहा कि अफवाह फैलाने वाले यूपी के भीष्म नामक प्रवासी मजदूर का पता लगा लिया गया है और पूछताछ के लिए उसे पुलिस स्टेशन भी तलब किया गया था। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिस जगह को लेकर यह भ्रम फैलाया जा रहा था दरअसल वहां कुछ नहीं बहुमंजिला बिल्डिंग बनी है और काफी संख्या में प्रवासी लोग भी रहते हैं। एसएसपी ने विवादित एड्रेस पर ऑनलाइन शॉपिंग का कुरियर डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी को भी भविष्य में अनवेरिफाइड एड्रेस पर डिलीवरी न करने की हिदायत दी। जानकारी के अनुसार 3 दिन पहले भूपुर पंचायत की इस जगह पर पाकिस्तानी कॉलोनी के नाम से ऑनलाइन शॉपिंग अथवा कुरियर की डिलीवरी हुई थी और इसके एड्रेस संबंधी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदू जागरण मंच ने पुलिस को शिकायत भेज इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। बहरहाल सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां पुलिस अथवा खुफिया विभाग सूत्रों के अनुसार तुरंत हरकत में आ गए थे, जिसके बाद सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बद्दी ने खुद घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण किया। एसपी के अलावा भूपुर पंचायत के वार्ड मेंबर ने भी इस जगह का नाम पाकिस्तानी कॉलोनी होने की बात का खंडन किया है और पुलिस की तरह उन्होंने भी इस मामले को तूल न देने की अपील की। गौरतलब है कि शांत राज्य के रूप में जाने जाने वाले देवभूमि हिमाचल की औद्योगिक नगरी बीवीएन में बाहरी राज्य के कामगार अथवा प्रवासी मजदूर काफी संख्या में है और यहां सूबे के अन्य हिस्सों के बजाय आपराधिक घटनाएं भी ज्यादा होती है। बहरहाल पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर वायरल बद्दी अथवा बीवीएन में पाकिस्तान कॉलोनी होने की बात से पुलिस ने साफ इनकार किया है और इस खबर को कोरी अफवाह करार दिया। 1-2 दिन से बात यहाँ पे चल रही है कि जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं यहाँ पे कोई पाकिस्तानी कॉलोनी है, बद्दी पुलिस और प्रशासन इसका खंडन करती है। ऐसी कुछ भी नहीं है, आप मेरे साथ देख रहे हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं। अफकोर्स यहाँ माइग्रेंट पॉपुलेशन है, कोई 5 साल से रह रहा है, कोई 4 साल से रह रहा है, लोकल शॉपकीपर्स भी हैं जिन्होंने शरारत की हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ये भीषम हैं और ये किसी स्थानीय कंपनी में कार्यरत हैं, ये यूपी से हैं। क्यों शरारत की इसके बारे में मैंने एसएचओ साहब को बोला है कि इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें, बट ऐसा कुछ नहीं है। एंड मैं आग्रह करूँगा सिटीजन से और लोकल मीडिया से, सोशल मीडिया पे भी, कि इस तरह की बातों को अफवाह ना दें और इसको सीरियस से प्रशासन इसका खंडन करता है। कुरियर एजेंसी के थ्रू ये कुरियर आया था तो क्या कुरियर वाले इसमें वेरीफाई नहीं करते सर किस तरह? एब्सोल्युटली ये नेग्लिजेंस है। अगर किसी ने एड्रेस डाला तो दे शुड वेरीफाई। वो लोकल मेरे साथ यहाँ वार्ड पंच भी हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को बोला कि यहाँ पे तो काफ़ी समय से लोग रहते हैं, वर्धमान का बैक साइड एरिया पड़ता है, इसके फॉरफ्रंट में यूपी बिहार कॉलोनी का कहा जाता है, माइग्रेंट पॉपुलेशन है, यहाँ रहती है, किसी ने शरारत कर दी एंड हम उसको थाने हमने इनको बुलाया है और मैंने इनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला है। बट इस चीज़ों को हमें तूल नहीं देना चाहिए और प्रशासन और बद्दी पुलिस उसका खंडन करती है। जय हिंद। नाम नरेश चंदा जी, बाढ़ पंचायत। कोई बात नहीं है, यहाँ पे वैसे झूठी खबर फैला दी किसी ने जी। हम तो यहाँ पे आते रहते ही खेत है जी हमारे यहाँ, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो बीच में नहीं भी है, बीच में पुरानी भी है, ये अभी 10 साल पुरानी। होगी ज़्यादा ही होगी, 5-6 हज़ार से ज़्यादा ही होगी, 4-5 हज़ार। यहाँ पे कोई नॉलेज में नहीं आई, सब ठीक ही है यहाँ पे। सुहागन कीनी रे मोसनैना मिलाई के छाप तिलक